और आवाम के हाल चाल। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे एक काम को मेहनत से करें और उसके साथ आप में सब्र भी रहे, तो आप ये वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप मेरी अगली कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो देखें, बात यह है कि आप ज़िंदगी में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी मकसद है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, हार्ड वर्क ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है। देखें, बात यह है कि लोग मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उनमें सब्र नहीं होता। देखें, अगर आप में सब्र नहीं है ना किसी भी चीज़ में, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। बात सिंपल सी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको वज़न कम करना है, आपको वज़न कम होता नज़र आएगा, लेकिन अगर आप सब्र करेंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं मैं एक हफ़्ता जिम में चला जाऊँगा और मुझे सिक्स पैक्स चाहिए, मुझे एब्स चाहिए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बात यह, देखें, अगर आप मेहनत करना पसंद करते हैं ना, तो अपने में सब्र भी रखें। देखिए, ज़िंदगी में कोई भी रिश्ते होते हैं आपके, कोई भी लोग होते हैं, दोस्त हो गए, एनी रिलेशनशिप, उसमें आपको सब्र करना चाहिए। आजकल क्या होता है, सब एक दूसरे से इतना एक्सपेक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना, जबकि वो खुद कुछ ऑफर कर नहीं सकते। इसका क्या मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि अगला इंसान आपके लिए मेहनत करे और आप बस वहाँ पे बैठें और आप सब्र करें। देखिए, अगर आप में सब्र और आप में मेहनत करने की ताकत नहीं है, तो आप नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में आगे। लेकिन अगर आप में मेहनत करने की ताकत है और सब्र नहीं है, तब भी आप नहीं बढ़ सकते आगे। आपको इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए कि आप मेहनत भी करना पसंद करें और सब्र भी करना पसंद करें। अगर आपका कोई दोस्त है, चले फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त हो गया, ठीक है, वही आपको हमेशा मैसेज करता है, वही आपको हमेशा कॉल करता है, आप बोलते नहीं नहीं मैं सब्र कर रहा हूँ। देखिए, ऐसे नहीं होता। अगला इंसान आपके लिए मेहनत करता है और आप वहाँ पर बैठे हुए और आप बस कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो ऐसे कोई काम नहीं चलता। अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप बनाना है, आपको ज़िंदगी में कोई भी गोल अचीव करना है, तो आपको हार्ड वर्क और पेशेंस के बीच का एक इक्वल रास्ता बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं, यू आर इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आपको चाहिए कि आप भी उतनी मेहनत करें जितनी अगला इंसान मेहनत कर रहा है। ये नहीं हो कि आप बोले नहीं मैं सब्र कर रहा हूँ, मेहनत वो करेगा। ऐसे ना ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप चलता है, ना आप ज़िंदगी को कोई गोल अचीव कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता ऐसे। इसीलिए मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें, लेकिन सब्र भी रखें अपने अंदर, क्योंकि जिस इंसान में सब्र होता है ना, कहले सब्र जो है ना बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप में सब्र है ना, बुरे वक्त में सब्र कर सकते हैं, अच्छे वक्त में सब्र कर सकते हैं, तो आप बोलें लाइक आपसे ताकतवर कोई और है नहीं। अभी जो मेरा ये रिसेंट व्लॉग था, मैंने बनाया था कि गाड़ी मेरी हाईवे पे बंद हो गई थी, ठीक है, उस पर मेरे को एक रिप्लाई आया मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे, मैंने अपलोड की थी इंग्लिश वर्जन वीडियो का, कि बंदा मर भी रहा हो तो व्लॉग बना ले। मुझे हंसी आई बहुत, लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉज हैप्पी, क्योंकि देखें बात यह है कि इतने बड़े मसले के बाद भी आई वॉज स्टिल स्माइलिंग, मैं फिर भी हंस रहा था। मेरे साथ दोस्त था जो हसनैन था, वो भी हंस रहा था। हम दोनों ने कंडीशन को ना ज़्यादा लाइटली लिया, ना ज़्यादा हार्ड ले लिया, हमने दरमियाना तरीके से उसको लिया। हम ना ज़्यादा सर पकड़ के बैठ गए, ना ज़्यादा हंसे, वी वर जस्ट पॉजिटिव। देखें, क्योंकि ज़िंदगी में जो भी होता है ना किसी मकसद से होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो आपको याद रखना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी हुआ तो वो किसी ना किसी रीज़न से हुआ। इसीलिए मेहनत करें, सब्र करें, और इंशाल्लाह एक दिन आपको आपके रिजल्ट्स दिखेंगे, आपकी मेहनत के आपको नतीजे दिखेंगे। तो चलें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम।